हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई एम मुनेश कुमारी, चीफ मेंटर एंड सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस। एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द कंप्लीट सीसेट कोर्स। जो जो स्टूडेंट्स सीसेट के कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो वो अपने पर्टिकुलर कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स को पहले तो ओपन कैसे करना है। ओपन कैसे करना है, देखिए, जो जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे बेटा देखिए, यहाँ से आप जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है, आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड पे जो भी कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने अपने कोर्स एनरोल किया है, वो पर्टिकुलर कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। डन, तो आप यहाँ से अपने पर्टिकुलर कोर्स पे चले जाइए, अपने पर्टिकुलर कोर्स पे चले जाइए। दूसरा, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। जब आप अगर रजिस्टर्ड हो तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज एग्जाम करो, ठीक है। सीसेट सिविल सर्विसेज के अंदर जाएंगे। जब आप यहाँ पे जाते हो तो उस केस के अंदर आप ये देखिए, आपका सीसेट का ओपन हो गया। यहाँ पे आप वीडियो कोर्सेज पे जाओगे, वीडियो कोर्सेज पे जाओगे। जब आप वीडियो कोर्सेज पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है ना। तो आप यहाँ से कंप्लीट कोर्स में जाइए। ओके, तो अभी दो मेथड है क्या करना है। वैसे तो आपको जो बेस्ट मेथड है उसके लिए आपने क्या करना है यहाँ पे, कि आप अपने डैशबोर्ड पे, हर एक स्टूडेंट का अपना एक डैशबोर्ड आ गया होगा, तो वहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड पे जाओ, वहाँ पे आपका कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जो जो भी वीडियोस हैं सारी आपको डैशबोर्ड पे मिलेंगी। डन, जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हो, अगेन आपको सेम स्क्रीन यहाँ पे दिखाई देगी बेटा, इस तरह से। तो अब देखो करना क्या है हमने, अब देखो यहाँ पे मिल क्या रहा है। यहाँ पे आपको इसके अंदर 134 लेक्चर्स यहाँ पे आ रहे होंगे, चेक कर लेने सभी ने। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो मैं बता रही हूँ नहीं मिल रहा, इन दैट केस आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। मीन्स कि जो भी आपके पास में फैकल्टी है जो आपको हैंडल कर रही है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दीजिए, या फिर आपके पास आई थिंक सभी के पास में नंबर होगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली उनके पास, सभी के पास है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हाँ जी हमें ये नहीं मिल रहा। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। इस वीडियो का मेन मोटिव भी यही है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि मैम ने प्रॉमिस किया था कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, बट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे इस तरह की आपकी स्क्रीन आएगी, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 134 वीडियो लेक्चर्स, ओके, देन 96 टेस्ट, 192 पीडीएफ्स, देन 1842 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, इज दिस अवेलेबल टू योर स्क्रीन। अब उसके बाद में आप देखिए, जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बेटा आपको डेमो लेक्चर्स ये दिखाई दे रहे होंगे, बट आपको जब आपने ज्वाइन कर लिया है तो जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन किया, दे कैन वॉच दीज लेक्चर्स, ओके। हाँ जी, आफ्टर दैट जो भी आपके पास में नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास की डिटेल यहाँ पे गिवन है अपकमिंग वीडियोज के अंदर। जैसे कि अभी 20th से अपनी लाइव क्लासेस शुरू होनी है, देन Here you can see, this is number system part 1, Monday 20th June 11:30 AM onward. From here you can see कि आपकी next class कब होनी है, क्या timing है, सारा कुछ आपको available रहेगा। वैसे आपकी classes कब होनी है, that classes will be on Monday, Wednesday, Friday and Saturday, okay? तो आपका यहाँ पे सारा शेड्यूल आपको दिखाई देगा, ओके? तो आपको जो भी क्लास है उस पर्टिकुलर क्लास पे आप जाओगे। जब आपकी क्लास लाइव चल रही होगी, दिस विल बी हियर। डन, अब आगे देखिए आपको क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे। दीज आर मेंटरशिप प्रोग्राम, देन कोर्स इंट्रोडक्शन, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, दिस इज इन द लेफ्ट साइड। आफ्टर दैट इन द मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी के अंदर आपको अभी ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को कुछ लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी जो क्लासेस हैं उनको शुरू होने से पहले ही आपको हमने कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। दे आर फ्रॉम 2015 टू 2022, 15 से 22 तक के सभी पेपर यहाँ पे सॉल्व हैं। तो यहाँ पे आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे ये प्रीवियस ईयर पेपर नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर्स ये पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा 21 और 22 का पेपर भी ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है आपके पास में।
तो वो सारा भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लेक्चर्स के अंदर देखो सारे टॉपिक्स आपको पता चल रहे हैं कि मेरे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कराए जाएंगे, LCM, HCF, नंबर सीरीज, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सारे के सारे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रेंड, सारे लेक्चर्स यहाँ पे बेटा, ठीक है, मिक्सचर एंड डेलीगेशन, मेंशुरेशन चार्ट, ओके। देखिए यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे अदर्स के अंदर भी कुछ लेक्चर्स आ रहे हैं आपके पास में, तो यहाँ पे जो भी लेक्चर शेड्यूल्ड होने हैं आगे, ये किस लिए है, ताकि आप लोगों को जो डाउट सेशन रहेंगे तो वो हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। दैट मीन्स कि इतना नहीं है कि जितनी वीडियो क्लासेस आपको दिखाई दे रही है उतनी होंगी, यहाँ पे क्लासेस आपके और भी ऐड हो जाएंगी। डन, यस। अब हम आते हैं कि क्लासेस का बेस्ट यूज कैसे कर रहे हैं, तो उसका बेटा क्या करना है आपको, जब आप पर्टिकुलर किसी भी लेक्चर पे हो, जिस टाइम पे आप एक लेक्चर को देख रहे हो, यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख रहे हैं, वॉच, ठीक है, आपकी क्लास चल रही है, हाँ जी आ गया ये आपके पास में, तो वहां पे हर एक लेक्चर के साथ में आपको उस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, साथ में ही आपको एक टेस्ट अवेलेबल होगा, तो थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है बेटा, आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको टेस्ट है आपके पास में, साथ में पीडीएफ है, वेब नोट्स मिलेंगे। अभी जो प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स हैं उनके साथ में वेब नोट अटैच्ड नहीं है, जो आपके थ्योरी लेक्चर्स होंगे उनके साथ, सभी के साथ में वेब नोट्स भी अटैच्ड होंगे। देन आप वेब नोट्स को भी आपने रीड करना है। क्या करना है, जब पहले, सबसे पहले हम पर्टिकुलर अपना जो लेक्चर है उसको चेक करेंगे। यस, हियर यू कैन सी, ये देखिए ये लेक्चर आ गया आपका। अब हर एक लेक्चर के साथ में क्या है आपके पास में, एक क्लास पीडीएफ अटैच्ड है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जो कि आपको यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे। डन, यस। अगर एक बार में ही आपको देखने हैं तो वो वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके साथ में बेटे टेस्ट भी अटैच है, तो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो सभी ने टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। पहले हमने क्या किया कि जो क्लास के अंदर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जा रहे हैं, उनको खुद से करिए, ठीक है ना, उनको क्वेश्चंस को, जो जो आपके पास में कंसेप्ट कराए जा रहे हैं उनके नोट्स साथ साथ आप लोगों को बनाते हुए चलना, सो दैट कि फर्दर जब आप उसकी रिवीजन करो तो आपको सारा दोबारा से ना करना पड़े। ओके, सो यू विल मेक द नोट्स एंड देन गो फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे टेस्ट है, टेस्ट को जब आप यहाँ पे देखते हो स्टार टेस्ट, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे देखिए आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल रहा है, और जो आपके क्लास लेक्चर्स हुआ करेंगे उनमें आपको 20 मार्क्स का टेस्ट मिलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको आपको सॉल्व करना है, तो जब हम एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन आपको पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आती है कि हाँ जी इतने टाइम में मैंने सॉल्व करना है, मेरी स्पीड है या नहीं है, मेरी एक्यूरेसी है या नहीं है। ओके, जब आपके पास में इस टेस्ट को आप सॉल्व कर लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ऐसे ही कर दिया, ठीक है, हाँ जी ये आपका टेस्ट था जो हमने इसको स्टार्ट कर लिया, कोई भी बाद में सॉल्व करेंगे, अभी जस्ट मैंने ऐसे ही आप लोगों को बताने के लिए कुछ भी क्लिक कर रही हूँ मैं, ठीक है, बट आप लोगों ने प्रॉपर उसको सॉल्व करना है, उसके बाद में उसको आंसर करना है, देन यू विल सबमिट द टेस्ट। उसके बाद में जब आप टेस्ट को सबमिट करोगे, क्या आ गया था, ओके, तो ये अपने पास में आ गया बेटा। अब उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे सबमिट करेंगे बेटा यहाँ से टेस्ट को। जब आप टेस्ट को सबमिट करोगे, देन यू विल गिव योर फीडबैक, जो जैसा भी आपको टेस्ट लगा सबमिट करोगे फीडबैक को। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में रिव्यू आ रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, कितने आपके रॉन्ग हैं, देन आप रिव्यू कर सकते हो। जब आप रिव्यू करोगे तो वहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। जैसे यही वाला क्वेश्चन था तो यहाँ पे उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब इसका फायदा आपको क्या होने वाला है कि
पहले आपने लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर के अंदर जो जो भी आपके पास में क्वेश्चंस कराए हैं, जो जो भी कॉन्सेप्ट्स कराए उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को आप कर रहे हो, उसके बाद में यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट, टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ जी इसको मैं आगे के लिए मैं नोट डाउन कर लूँ, मैं भूल जाती हूँ, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं कि कुछ न्यू हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, तो इस तरह से आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए आप सारे का सारा आपका हो आ रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट भी लग रहा है कि भाई जो यहाँ पे मेरा ठीक है या फिर यहाँ पे रॉन्ग है या कुछ भी है आपकी जो भी क्यूरी आ रही है, तो उस केस के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, सबमिट एरर अगर कोई आपको लगता है तो ठीक है। वैसे तो सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे बेटा करेक्ट मिलेंगे आपको, फिर भी कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड में कोई डाउट चल रहा होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो उस केस में उसका डाउट भी क्लियर हो जाता है। दूसरा, अब जब आप हाँ जी यहाँ से हमारा टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद में टेक्स्ट हमने ये हो गया आपका, और जो टेस्ट देने से पहले एक काम और करना है सभी ने, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उससे पहले हमने क्या करना है, अपनी जो PDF है, क्लास PDF, जैसे यहाँ पे तो ये PDF आ गई है, इसी तरह से वेब नोट्स जो गिवन है, तो उन वेब नोट्स को भी अच्छे से स्टडी करना है, डन। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर लेक्चर को आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा कि हाँ जी मैंने लेक्चर के अंदर जो कॉन्सेप्ट कराया वो कर लिया, फिर उसके वेब नोट्स मैंने रीड कर लिए, आफ्टर दैट आई हैव अटेम्प्टेड द टेस्ट एंड दिस इज माई स्कोर, ओके। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब उसके बाद में ये देखो कि यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ और भी दिखाई दे रहे हैं, राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो ये गिवन है बेटा, वेब नोट्स हैं, 7 वेब नोट्स आर शोइंग हियर, ओके। अब ये वेब नोट्स आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये नंबर सिस्टम, टिप्स एंड ट्रिक्स, ये आपके पास में है, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अभी ये सब्सक्रिप्शन के लिए इसलिए बोल रहे बिकॉज अभी जिसने ज्वाइन किया हुआ है उसको तो सारा कुछ व्यू होगा, जिसने ज्वाइन किया उसको सारा कुछ दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप उसका ये देख सकते हो वेब नोट्स। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जैसे नंबर सिस्टम है तो इस पे बेटा 504 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, एंड दिस विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, टेस्ट की फॉर्म में आपको मिलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है, ठीक है, हाँ जी। अब ये टेस्ट है, अब ये भी आगे फर्दर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट अटेम्प्ट करूं, देन यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर आप 20 क्वेश्चंस लिखोगे तो आपका 20 का टेस्ट तैयार हो जाएगा, 25 का करोगे तो 25 का, एंड देन अगेन दिस इज द सेम प्रोसेस जैसा कि अपने पास में क्विज में था। बट ये टेस्ट आपको स्टार्टिंग में नहीं अटेम्प्ट करना है, ये आपने कब करना है, जैसे जब आपके नंबर सिस्टम के जितने भी लेक्चर्स हैं, मान लीजिए आपका सभी का सभी पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम हो गया, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम हो गया, ओनली आफ्टर दैट यू विल गो फॉर दीज क्वेश्चंस, क्लियर। तो इस तरह से आपने हर एक टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कोर्स आप कर लोगे, जिससे कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं भी किसी भी स्टेप पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट, डन। सो इन दिस वे यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर कोर्स। तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है बेटा, सभी ने ध्यान से एक बार चेक जरूर कर लेना, जिन जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है कि हाँ जी ये सारे अवेलेबिलिटी है मेरे पास में, ठीक है। और उसके बाद में इसी तरह से आपने उसको आगे बढ़ना है। साथ में ही डाउट सेशन के लिए क्या प्रोसेस है कि जैसे आपका एक पर्टिकुलर लेक्चर होता है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, देन इफ इन एनी क्वेश्चन यू हैव एनी डाउट, तो यहाँ पे बेटा देखो लेटस डिस्कस का कॉलम बना हुआ है, लेटस डिस्कस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे का डाउट लाइक दिस है ना, एक स्टूडेंट का डाउट है कि इन क्वेश्चन नंबर 14 हाउ 20th टर्म ऑफ दिस कैलकुलेटेड, तो उसने अपना डाउट यहाँ पे डाला है। अब उसका जो डाउट है डाउट सोल्व हो गया होगा, ठीक है ना, दिस इज कन्फर्म। कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो पर्टिकुलर डाउट मेरे पास में बेटा मेल आ जाएगी उसकी कि हाँ जी ये डाउट है, और उस डाउट को आपका क्या करेंगे, जब लाइव क्लासेस चल रही हैं तो उसके अंदर डाउट सेशन के अंदर वो क्वेश्चंस ऐड होते चले जाएंगे, और जैसे ही हमारे 10-15 क्वेश्चंस होते हैं देन वी विल टेक द डाउट सेशन कि हाँ जी सारे के सारे डाउट वाले क्वेश्चंस आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, ओके। सो आई होप किसी भी स्टूडेंट को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोर्स को प्रॉपर तरीके से वो करने में। तो अभी यहाँ पे अच्छे से आप एसेस कर सकते हो, यहाँ से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है अभी आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा, 20th से लाइव क्लासेस शुरू हो रही है, तो आप उससे पहले आराम से अपना ज्वाइन करिए,
आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्यूरी है इससे रिगार्डिंग कि कैसे ज्वाइन करना है क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर। ओके, तो आप वहां से कॉल करोगे, आपकी जो भी क्यूरी है रिगार्डिंग दिस कोर्स आप वहां से अपनी क्यूरी रिजोल्व कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई थिंक कोर्स की डिटेल सभी को पता चल गई है, कैसे कोर्स को हमने प्रॉपर तरीके से असेस करना है वो भी सभी को पता चल गया। और बेटा सभी स्टूडेंट्स के पास में मेल आ जाएगी लेक्चर से पहले, वैसे तो 11:30 का टाइमिंग है, फिर भी अगर कोई भी वो रहता है तो आप एक बार कोर्स को ओपन करके देख लेंगे कि क्या नेक्स्ट लेक्चर कौन सा शेड्यूल है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल टेक योर। ओके, यस, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास के अंदर बेटा 20th को। थैंक यू।